हेलो गाइज, आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेके हैं। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पहले रिपीट हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर का जो एग्ज़ाम हुआ था 12 जुलाई 2015 को, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आगे रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में। तो मैंने सोचा कि पूरा जो टेस्ट है 50 क्वेश्चन का जो राजस्थान जीके के, वो आप सभी के सामने लेके आऊँ ताकि आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो आप लोग इन सारे 50 क्वेश्चन को जो राजस्थान जीके से जुड़े हुए, उनको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब्सक्राइब भी कर लेना राजस्थान जीके के, आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि कांठल नाम जो कि किससे संबंधित है, बीकानेर, सिरोही, जोधपुर या प्रतापगढ़। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ को कांठल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बीकानेर का प्राचीन नाम जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, बीकानेर का जो प्राचीन नाम है, जल्दी से आप लोग कॉमेंट में बताइए, मांगल, मांगल प्रदेश जो कि बीकानेर को कहा जाता था। देखिए सीवी के बारे में पूछा गया है और मरु के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर हम चित्तौड़ की बात करें तो चित्तौड़ का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग, सीवी जो कि चित्तौड़ का प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, हमीर महाकाव्य के लेखक कौन था, ये प्रश्न भी कई बार आया है एग्जाम में। तो हमीर महाकाव्य के जो लेखक है वो नयन चंद सूरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, नाडोल में किस राजपूत वंश का शासन था, नाडोल के अंदर कौन से राजपूत राजा का शासन रहा था, चौहान, परमार, प्रतिहार या देवड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौहान राजा का, यहाँ पे राजपूत वंश का शासन रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, राव जोधा कौन था, कि राव जोधा कौन था, ये सभी जानते हैं, जोधपुर के जो संस्थापक थे वो राव जोधा थे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, नाथों का मंदिर कहाँ पे है, जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, तो ये जोधपुर के अंदर है महामंदिर। क्वेश्चन नंबर 8, कीर्ति स्तंभ स्थित है, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आया हुआ एक प्रश्न है, चित्तौड़ के अंदर। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है, लेकिन ऐसे पर्सन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अचलगढ़ किसने बनवाया था, अचलगढ़ किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जल्दी से आप लोग बताइए, नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, नाथद्वारा चित्रकला शैली में चित्रण मिलता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण का। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, स्त्रियों का बाजूबंद आभूषण कहाँ पहना जाता है, बाजूबंद आभूषण जो कि स्त्रियों का है वो कहाँ पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाथ में। और भीनमाल का प्राचीन नाम, प्राचीन नाम आपको पता होना चाहिए, जितने भी प्राचीन नाम है क्योंकि प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमाल। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, नक्की झील कहाँ पे है, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, आबू के अंदर है। पिछोला झील कहाँ पे है, ये प्रश्न बहुत इजी है, उदयपुर के अंदर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, वंश भास्कर का लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यमल मिश्रण। गाल ऋषि का आश्रम कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है, गाल ऋषि का जो आश्रम है वो कहाँ पे है, तो ये जयपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, करणी माता का मेला कहाँ पे लगता है, तो करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी कौन था, रणकपुर मंदिर का मुख्य शिल्पी था देपाक दीपा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बेराट प्राचीन काल में राजधानी किसकी थी, किसकी, मत्स्य प्रदेश की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हाँ कुछ क्वेश्चन इजी है लेकिन ऐसे पर्सन भी एग्जाम में आए हुए हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे आक्रमण कब किया था, 1303 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, हल्दीघाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 में। मालती माधव के चित्र है, मालती माधव के चित्र किस शैली से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 का ए, मेवाड़ शैली से। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ पे प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आया हुआ है। अजमेर में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था और शुरुआत भी यहीं से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये 1919 के अंदर हुआ था। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जय नारायण व्यास, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, भारत का कौन सा राज्य राजस्थान की सीमा से नहीं लगता? राजस्थान की सीमा से और सॉरी हिमाचल प्रदेश से नहीं लगता, बाकी पंजाब, यूपी और एमपी लगते हैं। ठीक है, राजस्थान की सीमा से यहाँ पे पूछा गया था, सॉरी राजस्थान की सीमा से पूछा गया था, तो बाकी सभी लगते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश से नहीं लगता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, सन 2001 से 2011 के दौरान निम्न में से कौन से जिलों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है बाड़मेर के अंदर, 2001 से 11 दशक के अंदर बाड़मेर सबसे ज़्यादा रही है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, राजस्थान में न्यूनतम महिला साक्षरता 2011 के अनुसार, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जालौर में सबसे कम महिला साक्षरता रही है 2011 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, राजस्थान में ग्रेनाइट उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? जालौर, सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट जालौर में, ग्रेनाइट सिटी। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 निम्न में से कौन से नगर में नहीं आता? देखिए राजमार्ग संख्या बदलती रहती है, फिर भी हम लोग ऑप्शन के आधार पे अगर देखें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नागौर होना चाहिए, क्योंकि ये 2015 का पेपर है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी संख्या जो है काफ़ी बार हम लोग हर साल देखते हैं, बदलती रहती है। ठीक है, बाकी इस पे जो है 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए एक बार। 31 की हम बात करें, लाखेरी इंद्रगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? वह है लाखेरी इंद्रगढ़ जो क्षेत्र है वो किस चीज़ के लिए, किसके खनन के लिए फेमस है? 31 का हो जाएगा बी, चूना पत्थर खनन के लिए। राजस्थान में वार्षिक वर्षा की सम वर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति होती है, इसकी आपको दिशा बतानी है, सम वर्षा रेखाओं की सामान्य प्रकृति। तो 32वें का हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। क्वेश्चन में 33 की बात करें, राजस्थान के किस जिले में अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती है? राजस्थान के कौन से जिले में, हमें पता है और सभी जानते हैं, प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, पाली, पाली के बाद में नागौर, पाली 8। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में किस जिले में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? 34 का हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलपुर, क्योंकि लास्ट में, सबसे लास्ट में धौलपुर है। राजस्थान में जिन पवनों से सर्दकालीन वर्षा होती है, कौन सी पवनों से सर्दकालीन, सर्दियों के अंदर बारिश होती है? 35वें का सी, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। बात करते हैं 36 की, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है, ऑप्शन सी भारत के अंदर, सबसे ज़्यादा भारत के अंदर, उसके बाद पाकिस्तान में। पश्चिमी विक्षोभ संबंधित है वर्षा से, 37C जिसे मावट कहा जाता है। 38 की बात करें, कुल बोए के क्षेत्र का बाजरा के अंतर्गत अधिकतम प्रति क्षेत्र राजस्थान के जिन जिलों में है? वही जैसलमेर और बाड़मेर में। वायु का तापमान बढ़ने का पवन निरपेक्ष आर्द्रता है, वायु का तापमान कब बढ़ता है और जिसको पवन निरपेक्ष आर्द्रता यहाँ पे पूछी गई, आर्द्रता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो 39 का हो जाएगा बी, घटती है। सर्वाधिक देशांतर, सॉरी सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है, सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर, तापमान में अंतर सुबह और शाम के, दोपहर के तापमान में मैक्सिमम अंतर कहाँ पे देखा जाता है? तो
पश्चिमी राजस्थान में रात को ठंड ज़्यादा, दिन में बहुत गर्मी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह, सफ़ेद सीमेंट के लिए कौन सी जगह फेमस है, कई कारखाने हैं। 41 का सी गोटन। बनास नदी का विका सॉरी निकास है कहाँ से निकलती है? बनास नदी कुमलगढ़ की पहाड़ियों से। राजस्थान का कौन सा जिला जिनमें लौह अयस्क सहित अभ्रक भी पाया जाता है? 43 क्वेश्चन का जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, कौन से जिले में लौह अयस्क सहित अभ्रक पाया जाता है? तो ऑप्शन ए, अभ्रक सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में। और राजस्थान में कौन सी झील टोड रॉक के नाम से जानी जाती है? टोड रॉक के नाम से। 44 का ऑप्शन ए, नक्की झील को टोड रॉक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करेंगे, डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी खेती करना। डामोर जनजाति मुख्य रूप से खेती उनका व्यवसाय रहता है। और राजस्थान में जनसंख्या का प्रतिरूप निर्धारित होता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थलाकृति विशेषताओं द्वारा। अंता पावर प्लांट निम्न में किस प्रकार का है? 47 का एक गेंसिए, और अंता कहाँ पे? 12 में है। राजस्थान का कौन सा जिला सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक? सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? वही चित्तौड़गढ़ के अंदर, ऑप्शन सी। इसबगोल का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? जालौर में होता है, बिल्कुल। ये प्रश्न आया हुआ है कई बार एग्जाम में। आना सागर झील बहुत इजी क्वेश्चन है, अजमेर के अंदर। तो उम्मीद आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये रिपीट हो सकते हैं। हाँ, इजी ज़रूर है क्योंकि ये 2015 का पेपर है, लेकिन हमारा काम है आप सभी को रिपीटेड क्वेश्चन लेके आना जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं राजस्थान स्टेट के एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन एक बार आप देख लोगे तो कुछ क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे, आपके एक दो नंबर का फ़ायदा या दो तीन नंबर का फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको राजस्थान जीके के वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू।